पुरखे का अपमान तो आपका संस्कार रहा है। संसद भवन नया बनाने का औचित्य क्या है? फिजूल खर्ची के अलावा उस दौर में जब कोविड के काल में आप लोगों की सहायता करने में 50,000 की राशि दे रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी इसकी तीसरी पीढ़ी को माननीय नीतीश कुमार जी सरकारी नौकरियों में 2% क्षैतिज आरक्षण देते हैं, वह आप नहीं देते हैं। अग्निवीर जो देश के सैन्य पुरुषार्थ है उसको पेंशन देने के लिए आपके पास पैसे नहीं, महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, ऐसी स्थिति में आप नए संसद भवन में बनाने का जो हमारे पुरखों की विरासत थी, आपने सीधे तौर पर जो पुरखों की विरासत है उसके प्रति आपके मन में सम्मान का भाव नहीं है, आप केवल राजनीतिक कलाबाजी कर रहे हैं, इसलिए हमारी पार्टी भाग नहीं। पुरखे का अपमान तो आपका संस्कार रहा है। संसद भवन नया बनाने का औचित्य क्या है? फिजूल खर्ची के अलावा उस दौर में जब कोविड के काल में आप लोगों की सहायता करने में 50,000 की राशि दे रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी इसकी तीसरी पीढ़ी को माननीय नीतीश कुमार जी सरकारी नौकरियों में 2% क्षैतिज आरक्षण देते हैं, वह आप नहीं देते हैं। अग्निवीर जो देश के सैन्य पुरुषार्थ है उसको पेंशन देने के लिए आपके पास पैसे नहीं, महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, ऐसी स्थिति में आप नए संसद भवन में बनाने का जो हमारे पुरखों की विरासत थी, आपने सीधे तौर पर जो पुरखों की विरासत है उसके प्रति आपके मन में सम्मान का भाव नहीं है, आप केवल राजनीतिक कलाबाजी कर रहे हैं, इसलिए हमारी पार्टी भाग नहीं। पुरखे का अपमान तो आपका संस्कार रहा है। संसद भवन नया बनाने का औचित्य क्या है? फिजूल खर्ची के अलावा उस दौर में जब कोविड के काल में आप लोगों की सहायता करने में 50,000 की राशि दे रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी इसकी तीसरी पीढ़ी को माननीय नीतीश कुमार जी सरकारी नौकरियों में 2% क्षैतिज आरक्षण देते हैं, वह आप नहीं देते हैं। अग्निवीर जो देश के सैन्य पुरुषार्थ है उसको पेंशन देने के लिए आपके पास पैसे नहीं, महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, ऐसी स्थिति में आप नए संसद भवन में बनाने का जो हमारे पुरखों की विरासत थी, आपने सीधे तौर पर जो पुरखों की विरासत है उसके प्रति आपके मन में सम्मान का भाव नहीं है, आप केवल राजनीतिक कलाबाजी कर रहे हैं, इसलिए हमारी पार्टी भाग नहीं। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।